को मजबूती तब मिलेगी जब उसकी सैन्य शक्ति मजबूत होगी। आत्मनिर्भर भारत की ओर एक कदम बढ़ाते हुए रक्षा मंत्रालय ने चेन्नई स्थित हैवी व्हीकल फैक्ट्री को 118 अर्जुन टैंक का ऑर्डर दिया, जिसे आखिरकार मंजूरी मिल चुकी है। इससे पहले हम कुछ और कहें, आप खुद अर्जुन MK1A टैंक की एक छोटी सी झलक देखिए। MK1A अर्जुन टैंक का अपग्रेडेड वर्जन है। लेटेस्ट MK1A में पहले वेरिएंट के मुकाबले 70 से ज्यादा नए फीचर जोड़े गए हैं। ये टैंक रिमोट कंट्रोल वेपन सिस्टम, कंप्यूटर ऑपरेटेड फायर सिस्टम और एडवांस लैंड नेविगेशन सिस्टम से लैस है। इनमें लेजर वार्निंग सिस्टम होंगे जो इस बात का पता लगाने में सक्षम होंगे कि कहां से हमला हो सकता है। चारों ओर नजर रखने के लिए ड्यूल मैग्निफिकेशन और थर्मल इमेजिंग कैमरा लगा हुआ है। ये ऑटोमेटिक टारगेट ट्रैकिंग सिस्टम से लैस है। इन तमाम खूबियों की वजह से इस टैंक को हंटर किलर का नाम दिया जा रहा है। खास बात यह है कि मेक इन इंडिया को बढ़ावा देते हुए इन टैंक्स के निर्माण में लगभग 55% स्वदेशी इक्विपमेंट्स का इस्तेमाल किया गया है। वहीं माना जा रहा है कि इसमें 200 से ज्यादा भारतीय फर्म की हिस्सेदारी होगी। अर्जुन MK1A टैंक को पाकिस्तान से सटी राजस्थान की सीमा पर तैनात किया जाएगा। ऐसे में इससे भारतीय सेना को मजबूती मिलेगी। साल 2010 की बात है जब सरकार ने 124 नए अर्जुन टैंक्स के लिए ऑर्डर दिया था और फरवरी 2021 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे को पहला टैंक सौंपा था। रक्षा मंत्रालय ने 118 अर्जुन टैंक्स को खरीदने का टारगेट सेट किया है, जिस पर 7,523 करोड़ रुपए खर्च होंगे।